हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल MM विद्यापीठ में। हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का पिछले 8.2 तक का सॉल्यूशन और उसका इंट्रोडक्शन सारा देख चुके थे। अब 8.3 के लिए कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं हम लोग बेसिक, जिससे हम 8.3 के फिर सारे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन को हम लोग बना सकें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 8.3 के लिए कुछ इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन पार्ट भी आपको उसमें जनरली ही प्लेलिस्ट में मिलेगा, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री ऐसे ही मिलेगा, लेकिन इंट्रोडक्शन की जगह इंट्रोडक्शन लिखा हुआ आपको मिलेगा। देखिए इसमें 8.3 के लिए जो बेसिक हम लोग उसका चर्चा करते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये ट्रायंगल है, ये हो गया इसका 90 डिग्री, ये संपन्न हो गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि अब जो रिमेन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो जो रिमेन दो को बच गया कोण, एगो ए और एगो सी, दोनों का जोड़ 90 डिग्री होना चाहिए। और यदि इसको मान लिया जाए थीटा, तो ये वाला का कोण क्या हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा तब 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का जोड़ होना चाहिए था कितना 90 डिग्री, और ये हो गया अगर थीटा तो 90 माइनस थीटा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब चलिए कुछ हम लिखते हैं इक्वेशन, इसके आधार पर हम लोग कुछ फॉर्मूला आएगा उसको देखेंगे। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग, अगर थीटा को हेड रखें, अगर थीटा को हेड रखें तो साइन थीटा बराबर क्या लिखा जाएगा, साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच, ठीक है। तो थीटा हेड है तो पी कौन होगा, थीटा के सामने वाला भुजा, यानी कौन, ए बी बटे एच ए सी, कोई दिक्कत है? चलिए सेकेंड लिखते हैं हम लोग, कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बटे एच, और हेड है इसमें हमारा कौन, थीटा, तो थीटा के और 90 डिग्री के बीच वाला बी कहलाता है, यानी बी सी बटे ए सी। इसके बाद लिखते हैं हम लोग साइन कॉस, टेन थीटा के लिए लिखते हैं, टेन थीटा बराबर होता है पी बटे बी, तो पी कौन होगा हमारा, थीटा के सामने वाला पी यानी ए बी, और बी कौन होगा, थीटा और 90 डिग्री के बीच वाला भुजा यानी बी सी, थी हो जाएगा ए बी बटे बी सी, ठीक है, साइन कॉस टेन। अब आगे देखते हैं हम लोग कॉट का अगर लिखेंगे तो कॉट थीटा बराबर इस तरह से क्या लिख सकते हैं, कॉट बराबर होता है टेन का ऑपोजिट यानी बी बटे पी, तो इसको क्या लिखेंगे बी सी बटे ए बी। कॉट के बाद लिखते हैं हम लोग सेक थीटा, तो सेक थीटा को क्या लिख देंगे, कॉस का अपोजिट यानी एच बाय बी, तो एच बाय बी पलट देंगे क्या आ जाएगा ए सी बाय बी सी। एक लास्ट बच गया हमारा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा एच बटे बी, तो एच ए सी है और थीटा है तो पी कौन हो जाएगा ए बी हो जाएगा, कोई दिक्कत है? अब आगे देखिए इसी छवों को हम लिखते हैं, इस बार 90 माइनस थीटा को हेड बना करके, 90 माइनस थीटा को हेड बनाते हैं, 90 माइनस अगर थीटा हेड है तो साइन थीटा बराबर हम लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा नहीं, साइन 90 माइनस थीटा, हेड इस बार हेड किसको बनाए 90 माइनस थीटा, क्या होगा ये 90 माइनस थीटा अगर हेड है हमारा तो ये होगा हमारा पी बटे एच, लेकिन इस बार पी कौन कहलाएगा, हेड अगर 90 माइनस थीटा है तो उसके सामने वाला पी कहलाएगा यानी बी सी बटे कर्ण ए सी। चलिए आगे देखिए, अब लिखते हैं हम लोग कॉस थीटा, तो कॉस थीटा नहीं, कॉस 90 माइनस थीटा, क्योंकि हेड है इस बार हमारा कौन 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा कुछ भी रहे, कॉस थीटा तो बी बाय एच होना है, लेकिन बी हमारा कौन है, बी जब 90 माइनस थीटा हेड हुआ तो इस हेड वाला और 90 डिग्री के बीच वाला भुजा कौन है ए बी, तो ये हो गया ए बी बटे कर्ण हो गया हमारा ए सी, कोई दिक्कत है? अब आगे देखिए साइन हो गया, कॉस हो गया, फिर टेन का लिखते हैं हम लोग, तो टेन हेड तो वही है हमारा 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा अगर हेड है तो टेन 90 माइनस थीटा को हेड बना दिए, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बटे बी, और पी बटे बी होगा तो पी कौन, अगर ये हेड है तो इसके सामने वाला पी और बी कौन ए बी, तो ये हो गया इसका बी सी बटे ए बी।
दिक्कत है, आगे चलिए टेन हो गया तो अब लिखते हैं हम लोग कॉट 90 माइनस थीटा का निकालते हैं। इस बार अगर 90 माइनस थीटा हेड हो गया तो इसके लिए क्या लिखेंगे, कॉट के लिए बी बाय पी, तो बी कौन इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, 90 माइनस थीटा ही हेड है तो ए बी बटे बी सी। ठीक है, आगे देखते हैं सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर होता है हमारा एच बाय बी, और एच बाय बी हुआ तो एच तो ए सी है लेकिन 90 माइनस थीटा हेड है तो बी कौन कहलाएगा, ए बी, क्योंकि ये हेड और 90 डिग्री के बीच का भुजा ए बी। अब एक लास्ट बच गया कोसेक 90 माइनस थीटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एच बाय पी, तो एच कौन है ए सी बाय पी कौन है, तो 90 माइनस थीटा हेड है और ये इसके सामने वाला भुजा है हमारा बी सी, तो ये हो गया ए सी बाय बी सी। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए, ये है इधर हमारा ए बी बाय ए सी, तो ए बी बाय ए सी वहां कहीं है, यहां अगर ए बी बाय ए सी है तो यहां देखिए ए बी बाय ए सी है, और दोनों का अगर आर एच एस वाला पार्ट बराबर है तो हम कह सकते हैं एल एच एस वाला पार्ट भी बराबर होगा, ए बी बाय ए सी यहाँ है, यहाँ भी ए बी बाय ए सी है, दोनों का आर एच एस पार्ट बराबर है तो एल एच एस भी बराबर होगा, तो इसका एल एच एस क्या है साइन थीटा और इसका एल एच एस है कॉस 90 माइनस थीटा, तो यहां से क्या पता चला हमको कि साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, सेकेंड देखिए, ये हमारा है बी सी बटे ए सी, तो बी सी बटे ए सी कहाँ है वो साइन 90 माइनस थीटा में, बी सी बटे ए सी है साइन 90 माइनस थीटा में, और यहाँ है बी सी बटे ए सी कॉस 90 माइनस थीटा में, तो इसका भी आर एल एच एस पार्ट है, आर एच एस पार्ट बराबर है तो इसका एल एच एस भी बराबर होगा, यानी हम लिख सकते हैं यहां से कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। आगे देखिए ए बी बटे बी सी, उधर है ए बी बटे बी सी, लेकिन ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी दोनों का आर एच एस बराबर, एल एच एस भी बराबर, लेकिन इसका एल एच एस में है टेन थीटा और इसके एल एच एस में है कॉट 90 माइनस थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। अब आगे देखिए, ये है बी सी बटे ए बी, तो वहां देखिए बी सी बटे ए बी, तो ये है हमारा कॉट थीटा का आर एच एस और यहाँ है टेन 90 माइनस थीटा का आर एच एस, तो दोनों का आर एच एस बराबर हुआ तो एल एच एस भी बराबर होता है, तो यानी लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा। इसी तरह से आप लोग अगर देखेंगे तो आपको दो फॉर्मूला और सामने पता चल के आएगा, क्या क्या आएगा, साइन कॉस हो गया, एक आएगा सेक थीटा बराबर सेक थीटा, देखिए सेक थीटा क्या है ए सी बाई बी सी, तो ए सी बाई बी सी किसमें है ए सी बाई बी सी कॉसेक 90 माइनस थीटा में, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा हमारा कॉसेक 90 माइनस थीटा, और कॉसेक थीटा हमारा बराबर हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा। तो इस 8.3 में मेरे पास यही मात्र 6 फॉर्मूला है, इसी को ध्यान में रखना है, ऐसे आप लोग हायर क्लास में जाएंगे तो देखेंगे साइन 90 माइनस थीटा ही नहीं, साइन 90 प्लस थीटा भी होता है, साइन कॉस 90 प्लस थीटा भी होता है, टेन 90 प्लस थीटा भी होता है, 180 प्लस थीटा भी होता है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। और एक चीज इसमें और ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो 90 डिग्री है कौन को हम लोग दो तरीके से मेजर करते हैं, एक डिग्री में और दूसरा हम लोग मिनट सेकेंड यानी रेडियन एक है इसका मेजरमेंट, तो जो रिलेशन है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, सिंपली अगर पाई भी लिख देगा बराबर 180 समझना है, कहीं कहीं अगर पाई बटे 2 लिखा हुआ मिले तो इसको क्या समझना है 90 डिग्री, पाई मतलब 180 तो पाई बटे 2 मतलब 90 डिग्री, वास्तव में यहाँ सी लगा हुआ था रेडियन के लिए लेकिन वहां सी नहीं भी देगा तो चलेगा, जैसे हम एक जगह आपको बताते हैं देखिए साइन थीटा बराबर ऐसा लिखा हुआ अगर कहीं मिल जाए कॉस पाई बटे 2 माइनस थीटा तो ये सही है बिल्कुल, ये और ये दोनों एक ही चीज है क्योंकि पाई बटे 2 का मतलब ही 90 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए एक बार, इसमें सारे का प्रूफ भी बता दिए हैं कि कैसे साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा होता है, इसका सारे का प्रूफ है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे, कुछ इसका एग्जाम्पल करा देते हैं,
इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है, साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री है और 3a न्यून कोण है, तो हमको मान निकालना है किसका, a का मान क्या होगा। ठीक है, a का मान क्या होगा। और एक एग्जांपल है, इसको भी देख लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा एग्जांपल फर्स्ट है, एक सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल क्या है, 10 65 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 25 डिग्री का वैल्यू चाहिए। चलिए देखते हैं इसको, हम एग्जांपल करते हैं। पहला क्वेश्चन है ये, हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा। तो उस हिसाब से साइन 3a को क्या लिखा जा सकता है, cos 90 डिग्री माइनस 3a, और उधर हो जाएगा cos a माइनस 26 डिग्री। आगे देखिए, दोनों साइड cos cos है, cos गुना में नहीं है जो कटा देंगे, तो नीचे क्या लिखेंगे, जैसे उसमें लिखे थे, दोनों तरफ से cos निष्पत्ति हटाने पर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ से cos निष्पत्ति हटाने पर। अगर दोनों तरफ से cos निष्पत्ति हटाएंगे तो क्या बचेगा, 90 डिग्री माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री। तो ये माइनस 3a इधर रह गया, a बराबर किधर आ गया, तो माइनस a और माइनस 26 डिग्री वो था, और 90 उधर जाएगा तो माइनस 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया, माइनस 4a बराबर माइनस 116 डिग्री। तो a बराबर क्या हो गया, माइनस 116 डिग्री बटे माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल और ये 4 से कट गया, 4 दोनों 8, 3 बचा, 4 नौ 36, तो a बराबर हो गया हमारा 29 डिग्री। कोई दिक्कत है, हमेशा ध्यान यही रखना है कि इधर और उधर को हमको क्या करना है, बराबर करना। क्वेश्चन भी इसी हिसाब से देखो कि वो इजीली बराबर हो भी जाएगा। अब इसको देखिए, टेन थीटा है, नीचे कॉट थीटा है, तो होगा क्या, जब भी इस तरह में रहेगा तो हमको सबसे पहले दोनों साइड क्या करना है, ऊपर नीचे सेम करना। हम लोग जानते हैं टेन थीटा बराबर होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो टेन थीटा जहाँ लिखे हैं उसको लिख सकते हैं हम लोग कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह 65, साथ में 65 लिख दिए। अब नीचे हो गया कॉट 25 डिग्री, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, अब कॉट अगर 90 में 65 गया तो 25 डिग्री, और नीचे कॉट 25 डिग्री, ये दोनों कैंसिल, तो इसका आंसर हो गया 1। ठीक है, आप लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इसका हम सॉल्यूशन अपलोड कर देंगे, 8.3 का टोटल A to Z सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप लोग पहले थ्योरिटिकल पार्ट को लेकिन जरूर देखिएगा ध्यान से, जब तक थ्योरी वाला पार्ट नहीं देखिएगा उसको ध्यान में रखिएगा तो आगे आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए थ्योरिटिकल पार्ट को पहले ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को आगे का सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।